हाय एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं जिसमें आमने सामने होने वाले हैं दो इंडियन सेडान कार्स। एक है टाटा टिगोर और दूसरी है मारुतिसुजुकी डिजायर। शुरुआत करते हैं इनकी प्राइसिंग से। तो टाटा टिगोर एक्सी जो कि टाटा टिगोर की बेस मॉडल है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5,99,900 इंडियन रुपीज़। एंड इसकी टॉप मॉडल टाटा टिगोर एक्स जेड प्लस डीटी की एक्स शोरूम प्राइस है 8,58,900 इंडियन रुपीज़। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5 मॉडल्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 3 मॉडल्स एंड ICNG के साथ 4 मॉडल्स आते हैं। देखते हैं इसकी कॉम्पिटिटर कार की प्राइसिंग। तो मारुति सुजुकी डिजायर की बेस मॉडल डिजायर LXi 1.2 LMT की एक्स शोरूम प्राइस है 6,24,000 इंडियन रुपीज़। एंड इसकी टॉप मॉडल डिजायर ZXi प्लस 1.2 LAGS की एक्स शोरूम प्राइस है 9,17,500 इंडियन रुपीज़। मारुति सुजुकी डिजायर में 4 मॉडल्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 3 मॉडल्स एंड CNG में 2 मॉडल्स आते हैं। कलर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो टाटा टिगोर में आपको 5 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और मारुति सुजुकी डिजायर में 6 कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोनों कारों के इंजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टाटा टिगोर में रिवर्ट्रॉन 1.2 लीटर 3 सिलेंडर गैसोलीन इंजन आते हैं जो कि पेट्रोल से चलते हैं, और CNG से चलने के लिए रिवर्ट्रॉन 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आते हैं जो कि टियागो में भी आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल के साथ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है 19.27 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG के साथ 26.49 किलोमीटर पर KG है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी डिजायर में 1197 cc 4 सिलेंडर इनलाइन 1.2 डुअल जेट DOHC इंजन देखने को मिलेगा जो कि 22.41 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन पर, 22.61 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज AGS पर और 31.12 किलोमीटर पर KG की माइलेज CNG पर देती है। पावर डिलीवरी की अगर हम बात करें तो टाटा टियागो में 86 PS और 63.0 किलोवाट की मैक्स पावर जेनरेट करती है 6000 RPM पर और 113 Nm की मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करती है 3300 RPM पर। एंड मारुति सुजुकी डिजायर में 66 किलोवाट की मैक्सिमम पावर जेनरेट होती है 6000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क 113 Nm की होती है 4400 RPM पर। देख लेते हैं दोनों में बूट स्पेस कितना है। तो टाटा टिगोर में 419 लीटर की बूट स्पेस आपको मिल जाती है और मारुति सुजुकी डिजायर में आपको 378 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी। और अगर आप CNG में गाड़ी लेना चाहते हैं तो बूट स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं वीडियो की बेस्ट पार्ट जो कि है दोनों गाड़ियों की फीचर्स के बारे में। पहले देख लेते हैं टाटा टिगोर में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो टाटा टिगोर में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विथ EBD, रियर कैमरा, फ्रंट फॉग लैंप, रियर डिफॉगर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉकिंग एंड अनलॉक, पंचर रिपेयर किट, LED DRLs, 15-inch alloy व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको टियागो में भी देखने को मिलेगी, ब्लैक रूफ, शार्क फिन एंटीना, 17.78 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इमेज एंड वीडियो प्लेबैक, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, पुश स्टार्ट बटन विथ कीलेस एंट्री, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, ऑटो फोल्ड ORVM, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये सब फीचर्स आते हैं। इसके बाद देख लेते हैं डिजायर की फीचर्स। तो मारुति सुजुकी डिजायर में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विथ EBD, रियर कैमरा, रियर डिफॉगर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक एंड अनलॉक, इंजन पुश स्टार्ट बटन विथ स्मार्ट की, ऑटो हेडलैम्प और फॉलो मी और लीड मी हेडलैम्प, रियर AC वेंट, रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर्स, रिमोट कीलेस एंट्री सिस्टम,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग, ऑटो फोल्ड ORVMs, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट हेडरेस्ट एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देख लेते हैं इन दोनों कार्स की बॉडी डायमेंशन को। तो टाटा टिगर की बॉडी डायमेंशन है लेंथ 3993 mm, विड्थ है 1677 mm, हाइट है 1532 mm, व्हील बेस 2450 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, एंड डिज़ायर की लेंथ है 3995 mm, जो कि 2 mm बड़ी है टिगर से। विड्थ है 1735 mm, जो कि 58 mm चौड़ी है, और इसकी हाइट है 1515 mm, जो कि 17 mm छोटी है टिगर से, और व्हील बेस सेम है 2450 mm। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो टाटा टिगर एंड मारुति सुजुकी डिज़ायर के बीच। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।